उदाहरण 18। एक पंप एक टंकी को 2 घंटे में भरता है। टंकी में रिसाव होने के कारण टंकी भरने में 3 घंटे लग जाते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा? हल: पंप द्वारा दो घंटे में टंकी का भरा गया भाग। बराबर 1। इसलिए पंप द्वारा एक घंटे में टंकी का भरा गया भाग बराबर 1/2। 2 का पक्षांतर होगा तो 2 जो है नीचे आएगा 1/2। माना रिसाव के कारण एक्स घंटे में टंकी का खाली हुआ भाग भाग बराबर 1 है, तब रिसाव के कारण एक घंटे में टंकी का खाली हुआ भाग भाग बराबर एक्स का पक्षांतर होगा तो 1/x। चूंकि रिसाव के बावजूद पंप द्वारा 3 घंटे में टंकी का भरा गया भाग बराबर 1 है, इसलिए रिसाव के बावजूद एक घंटे में टंकी का भरा गया भाग बराबर 1/3। ये 3 जो है यहाँ बटे में 1/3 हो जाएगा। रिसाव के बावजूद एक घंटे में टंकी का भरा गया भाग बराबर पंप द्वारा एक घंटे में टंकी का भरा गया भाग ऋण रिसाव के कारण एक घंटे में टंकी का खाली हुआ भाग। तो हमारे पास सबसे पहले रिसाव के बावजूद एक घंटे में टंकी का भरा हुआ भाग कितना है? 1/3 है। बराबर पंप द्वारा एक घंटे में टंकी का भरा गया भाग हमारे पास 1/2 है, 1/2 ऋण रिसाव के कारण एक घंटे में टंकी का खाली हुआ भाग जो है हमने 1/x ज्ञात किया है। तो ये हमारा
समीकरण बना। अब इसमें 1/3 ऐसी लिखेंगे हम, और इसके दाएं पक्ष में 2 और x का लघुत्तम निकालेंगे तो ये होगा 2x। 2x को जब 2 से भाग करेंगे तो हमें x प्राप्त होगा, और x को 1 से गुणा करेंगे तो ये x ऋण 2x को x से भाग देने पर x कटेगा और 2 हमारे पास भागफल बचेगा। 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 प्राप्त हुआ। तिर्यक गुणा करेंगे हम यहाँ पे 2x को 1 से तो यहाँ पे 2x, और 3 का तिर्यक गुणा होगा तो 3x ऋण 6, या x का मान हमें प्राप्त होगा 6। तो अतः रिसाव के कारण टंकी 6 घंटे में खाली हो जाएंगी, यह इस प्रश्न का हल होगा। करके देखें। पहला, 3 व्यक्ति ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि उस काम को तीनों मिलकर करें तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? हमने सीखा, पहला, दैनिक जीवन में प्रायः कई बार तुलना करने की आवश्यकता पड़ती है। यह तुलना बहुत बार अनुपात से स्पष्ट हो पाती है, अर्थात दो राशियों की तुलना अनुपात से बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तुलना करनी हो अथवा बाजार में कोई वस्तु खरीदनी हो तो हम तुलना के आधार पर ही उनकी श्रेष्ठता का निर्धारण कर पाते हैं। तीसरा, तुलना समान प्रकार की राशियों में ही की जाती है, अर्थात अनुपात दो सजातीय राशियों की तुलना होती है। चौथा, कभी कभी हमें दो अनुपातों की तुलना करने की जरूरत पड़ती है। दो अनुपातों की तुलना समानुपात कहलाती है। पांचवा, किसी राशि को दो या दो से अधिक भागों में बांटने में अनुपात का उपयोग किया जाता है। छठवा, दैनिक जीवन में हम ऐसी कई परिस्थितियां देखते हैं जहां एक राशि के बढ़ने या घटने से दूसरी राशि घट या बढ़ जाती है। ये राशियां व्युत्क्रम अनुपात में होती हैं।